हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे Realme 8 हॉटस्पॉट नॉट वर्किंग। तो यहाँ पे अगर आपका हॉटस्पॉट वर्क नहीं हो रहा है, वर्क नहीं कर रहा है, तो कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, यही इस वीडियो में आपको बताऊंगा। वीडियो एंड तक देखना और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। सबसे पहले यहाँ पे सेटिंग ओपन करना है। ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपको अपनी स्क्रीन पे देखने मिलेगा। यहाँ पे एक ऑप्शन देखने मिलेगा सिस्टम सेटिंग, तो उस पर क्लिक करेंगे। वहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन है बैकअप एंड रीसेट का, उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे लास्ट में एक ऑप्शन है रीसेट फ़ोन, रीसेट फ़ोन पे क्लिक करके आपको अपने फ़ोन को रीसेट करना है। इसके बाद आपका पूरा जो फ़ोन की जो सेटिंग है सब बाय डिफ़ॉल्ट रीसेट हो जाती है। और यहाँ पे ये सेटिंग करने के बाद, रीसेट करने के बाद आपको अपना मोबाइल एक बार रीस्टार्ट करना है, यानी बंद करके चालू करना है। फिर यहाँ पे आपको अपना हॉटस्पॉट या फिर वाईफाई, ये दोनों बंद करके चालू करना है। और उसकी भी जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है वो रीसेट कर देनी है। ये सब कुछ करने के बाद यहाँ पे वापस से जब आप हॉटस्पॉट यूज़ करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन यहाँ पे आपको हॉटस्पॉट जिसका भी कनेक्ट करेंगे उसका हॉटस्पॉट का पासवर्ड आपको न्यू बनाना है, मतलब चेंज कर देना है। उसके बाद ही यहाँ पे आपको हॉटस्पॉट कनेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आपका हॉटस्पॉट वर्क करने लगेगा। तो यहाँ पे आपको मैंने सब स्टेप बाय स्टेप बता दिया है। सबसे पहले यहाँ पे आपको फ़ोन की सेटिंग रीसेट करनी है। सेकेंड सेटिंग यहाँ पे आपको अपना मोबाइल रीस्टार्ट करना है, यानी बंद करके चालू करना है। थर्ड सेटिंग यहाँ पे वाईफाई और हॉटस्पॉट बंद करके चालू करना है। और फोर्थ सेटिंग यहाँ पे जो मैंने आपको सबसे लास्ट बताया है वो कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे जब आप ट्राई करेंगे तब आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी और हेल्पफुल लगी तो लाइक कर देना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि यहाँ पे ये सारे सेटिंग फॉलो करने के बाद आपका हॉटस्पॉट वर्क किया या नहीं। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, बाय।